बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी एस्पैरेगस स्टफ चिकन बनाना, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है एस्पैरेगस। हस्बी जरूरत लूंगी एस्पैरेगस, ब्रेस्ट पीस लेने, इसको दरमियान से आप इस तरह से काट ले। मैंने लिया है 4 ब्रेस्ट पीसेस। ये देखिए, यहाँ हमारे पास मोज़रेला है जो स्लाइसों में कटे हुए हैं। ये देखें, इस तरह स्लाइसों में कटवा लें, थीन स्लाइस करवा लें। इसके अलावा यहाँ हमारे पास है पार्मेसन चीज। इस स्पाइसेस भी मैंने लिए है ओरिगैनो, रोजमेरी, इसके जगह आप मिक्स्ड हर्ब भी ले सकते हैं या थाइम और ओरिगैनो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिया है मैंने गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, ओरिगैनो लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, रोजमेरी लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। रोजमेरी की जगह आप थाइम ले लें, ओरिगैनो और थाइम की जगह आप मिक्स्ड हर्ब भी ले सकते हैं। इसके अलावा लिया है मैंने पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो ले, वरना इसको स्किप कर दें। तो चलें इसकी तैयारी करते हैं और दिखाते हैं आपको एस्पैरेगस स्टफ चिकन किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं और चिकन को लेकर आते हैं। तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब एक जगह कर लें। मसालों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस चिकन को, बहुत ही जबरदस्त मजेदार टेस्टी बनती है चिकन, जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मसालों को मिक्स कर लिया मैंने। इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। टर्न कर लें, बाहर भी करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी के जो बच गए मसाले उसे साइड में रख देंगे हम। इसको आप दरमियान से कट कर लें। इस तरह से स्लाइस रख लें इसके अंदर, इसके 2 पीसेस। अब इसके अंदर पार्मेसन डालेंगे इस तरह से। इसको लॉक करेंगे से। ये देखिए, इस तरह से लॉक कर ले। देखिए, इस तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से बनाकर तैयार कर ले। अब चले इसे हम कुक करते हैं और साथ ही बेक भी करेंगे इसे। पहले शैलो फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे हम बेक करेंगे। पैन के ऊपर बटर ग्रीस करेंगे।
तरह से आप डाल दें इसके अंदर। बोथ साइड को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखें, बस और ज्यादा नहीं कुक करेंगे। और फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर लेमन लगाएंगे। देखिए इस तरह से लेमन लगा दें। अब इसे बेक करेंगे हम 350 फ़ारेनहाइट पे। तो चलिए बेक करते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। चिकन हमारी बेक्ड हो गई है। चिकन को मैंने बेक किया है 350 फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट्स के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। एस्पैरिगस स्टफ चिकन तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।